और एमएसपी की गारंटी की मांग पर अड़े किसानों ने 29 फरवरी तक दिल्ली मार्च का प्लान टाल दिया। 29 फरवरी तक किसानों का क्या प्लान है आपको विस्तार से बताएंगे। आंदोलन कर रहे किसानों ने 19 फरवरी तक का शेड्यूल जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अगले 6 दिनों तक उनका क्या कार्यक्रम होगा। किसान आज देश भर में कैंडल मार्च निकालेंगे। 25 फरवरी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर सम्मेलन करेंगे। 26 फरवरी को देश भर में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पुतले फूके जाएंगे। 27 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होगी। 28 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की साझा बैठक होगी। 29 फरवरी को किसान आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। और नोएडा में चल रहा किसानों का धरना खत्म हो गया। किसान 74 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे। किसान अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे थे। 74 दिन से चल रहे किसानों का धरना खत्म हो गया। मांगे पूरी होने के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना खत्म कर दिया। गौतम बुद्ध नगर के डीएम और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ की मौजूदगी में किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। किसानों की जो समस्या और मांगे हैं उससे निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। जल्द ही किसानों के साथ उच्च स्तरीय समिति की बैठक होगी, जिसमें किसानों की मांगे और समस्याओं पर चर्चा होगी।